क्या आपने भी लिया है ईएमआई पर फोन और आप भी है परेशान इस पिन से, तो आइए जानते हैं इस पिन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे टेक्निकल चैनल पर स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले एक मिनट में ठीक करें टीवीएस क्रेडिट का पिन। तो ये सीखने से पहले हमारे टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए वीडियो हमारे चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टीवीएस ऐप्स ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद पे बटन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको पे नाउ बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको एग्रीमेंट नंबर डाल लेना है। डालने के बाद प्रोसीड टू पे बटन पर क्लिक कर लेना है। नीचे आना है और एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद प्रोसेसिंग होगी, थोड़ी देर बाद रुक जाना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेना है। उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड से या यूपीएस से जियो मनी, कैश मनी या आईसीआई या कौन से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको डेबिट कार्ड से अपना ईएमआई भर लेता हूँ। तो डेबिट कार्ड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद अपने डेबिट कार्ड के नंबर डाल लेना है और सीवीवी नंबर डाल लेना है। सब कुछ डिटेल भरने के बाद आपको पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद प्रोसेसिंग होएगी। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद आपको डाल लेना है ओटीपी। उसके बाद मैं अपना ओटीपी डाल लेता हूँ। तो ओके बटन पर क्लिक कर लेता हूँ। देखो प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग होने के बाद आपको थोड़ी देर बाद रुक जाना है और आपका ईएमआई भर लिया गया है। ऐसा ट्राई अगेन ऑप्शन आएगा और आपको कैंसिल कर लेना है और थोड़ी देर बाद आपका मोबाइल चालू हो जाएगा।